बच्चों, आज हम क्लास 8 में गणित विषय में प्रश्नावली 6.4 करेंगे। अभी तक हमने प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न नंबर 6 तक कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री का है। एक हम आपको समकोण त्रिभुज एबीसी दे रखा है, जिसमें कोण बी कितना का है, 90 का है। यदि AB बराबर 6, BC बराबर 8 है, तो ज्ञात कीजिए AC कितना होगा। ये देखिए, ये हमने बी पे समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है ना। ए बी हमारे को 6 दे रखा है, बी सी हमारे को 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, और अब पूछ रहा है कि ए सी कितना होगा। अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कि हम पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस नियम क्या कहता है, कहता है कि आधार के जो होता है, आधार का अगर हम वर्ग करें, उसमें लंब का अगर वर्ग को जोड़ा जाए, तो वह कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, मालूम है। तो क्या लिखेंगे, एसी निकालना है, लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये हम जानते हैं, या एसी स्क्वायर बराबर एबी कितना है, 6, 6 का वर्ग प्लस बीसी कितना है, 8, 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ा तो 100 आ जाएगा। या यहाँ पे लिखना, या एसी स्क्वायर, या एसी स्क्वायर, या अब हटेगा तो क्या लिखेंगे, वर्गमूल 100। वर्गमूल 100 किसके बराबर होता है, 10। यहाँ एसी इकाई क्या दे रखी है प्रश्न में आपको, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। त्रिभुज था समकोण त्रिभुज, ये हमारे को लंबाई दे रखी थी ए बी की, और बी सी की दे रखी थी, हमारे को ए सी पूछा था। हमने क्या पाइथागोरस नियम लगाया कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग में, और यदि आधार के वर्ग को जोड़ा जाए तो उसके बराबर होता है। तो वही करा हमने, वर्ग निकाला, 6 का वर्ग करा 2, 8 का वर्ग करा 64, दोनों को जोड़ा 100 आया, 100 का वर्गमूल निकालना वह है 10, 10 के आगे लगा दिया हमने इकाई सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया इसका प्रश्न नंबर, यह था 7 का 1, प्रश्न नंबर 7 का 1। अब देखिए 7 का P, हमारे को वही एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जो बी पर समकोण है, मैंने दर्शा दिया, ठीक है ना। यदि AC की लंबाई 13 है, BC 5 है, तो AP ज्ञात कीजिए। हमारे को क्या, AC दे रखा है 13, BC है हमारे पास 5, तो हमें AB निकालना है। क्या करेंगे हम, पाइथागोरस नियम लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये करा। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है और AC दे रखा है, तो हम इसको या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। BC इधर का इधर माइनस पे चला गया, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB अपने को दे नहीं रखा, तो AB स्क्वायर ही लिखेंगे। AC का मान कितना है, 13, 13 का वर्ग माइनस BC है अपने पास 5, 5 का वर्ग, ठीक है। या AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, या AB स्क्वायर बराबर 144, ठीक है। हमारे को यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर वर्गमूल चल जाएगा, AB बराबर वर्गमूल 144 बराबर 12, AB क्या हो गया 12। अब आप क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे को यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, आया होगा समझ में। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 7 का A और B उतार दीजिए। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक मालिक के पास 1000 पौधे हैं,
इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। अब क्या उसके पास 1,000 पौधे हैं, वो उन्हें पंक्ति और कॉलम के हिसाब से लगाना चाहता है, जिस प्रकार की पंक्तियों और कॉलम की संख्या बराबर रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। और वह क्या बोल जा रहे हैं कि है ना, इसमें और कितने पौधों की माली को आवश्यकता होगी कि जिस हिसाब से कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर आ जाए। 1,000 पौधे हैं तो 1,000 पौधों को अपन वर्ग के आधार पर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि 1,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने बताया था किसी भी संख्या के में 0 अगर विषम बार हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो हमारे को क्या करना है, इस 1,000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी हमें पौधों की संख्या और कितनी चाहिए। पूछ रहे हैं ना पौधों की संख्या और कितने पौधे चाहिए, इसका मतलब क्या है, उसको और पौधे जोड़ने हैं, यानी 1,000 में जोड़ना है। तो 1,000 को में क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए अब इसे करना कैसे है, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या वह क्या जा रहा है बराबर हो, तो इसलिए हम मानते हैं पंक्तियों की संख्या एक्स हो और कॉलम की संख्या भी एक्स हो, तभी तो बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, 1,000 का वर्गमूल निकालेंगे महावेदी से, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए कि वह क्या पूछ रहा है कि हमारे को माली को कितने और पौधे चाहिए होंगे, यानी उसमें जोड़ना होगा, तो वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर हम साइड में निकाल रहे हैं 0 0 और 10 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 3 9 और यहाँ पे 3 लिखेंगे, 6 हो गया, 1 बचा, ये पूरा समूह उतरेगा, 0 हुआ, 1 लगाया, यहाँ हो गया 62, यहाँ 61, बचेगा कितना 39 बचा, यहाँ पे 1। अब हम देखते क्या है, जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 5 करा था उसी प्रकार करना है। ये हमने निकाल लिया, अब इन 1,000 को कैसे लिख सकते हैं, 1,000 बराबर 31 का वर्ग प्लस 39, ठीक है, 39 शेष बच रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं 1,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, 1,000 के बाद आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 32 के वर्ग की। प्रश्न नंबर क्यों, क्योंकि 31 का वर्ग जो है वो 1,000 से छोटी है, 31 के वर्ग में 39 जोड़ेंगे तब हमारे पास 1,000 आ रही है, हमारे को 1,000 से बड़ी संख्या लेनी है, वो क्या होगी 31 के बाद क्या होता है 32, 32 के वर्ग की होगी। अतः कम से कम पौधों की आवश्यकता, पौधे चाहिए बराबर 32 का वर्ग माइनस 1,000, 32 का वर्ग निकालेंगे तो वो 1024 के बराबर आता है बच्चों, माइनस 1,000 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 24 पौधे। क्या हुआ, हमने ये वर्गमूल निकाला, यहाँ पे शेष वाला आया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वापस देखिए 1,000 के बाद आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 32 के वर्ग की। क्यों, क्योंकि 31 का जो वर्ग है वह 1,000 से छोटा है, क्योंकि 31 के वर्ग में 39 जुड़ेगी तब 1,000 के बराबर आता है। इसलिए कम से कम पौधे उसको कितने चाहिए होंगे, मालिक को 24 और पौधे खरीद चाहिए होंगे, तो उत्तर लगेंगे मालिक को 24 और पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको उतार लीजिए। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने 500 हैं, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, कि पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों का बाहर जाना होगा, अभी क्या कह रहा है, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थी अतिरिक्त हैं जिन्हें बाहर जाना होगा। अब हमें करना क्या होगा, 500 का वर्गमूल निकालेंगे भाग्यदी से, जो हमारे पास शेषफल आएगा वो हम घटा देंगे, वो हमारे पास अतिरिक्त विद्यार्थी होंगे, वो हमें जाना बाहर जाना होगा। तो करना क्या है, पंक्तियों की संख्या एक्स रहे और कॉलम की संख्या भी एक्स हो, तभी हमारा सवाल रहेगा, तो वो क्या होना चाहिए, एक्स इंटू एक्स 500 के बराबर होना चाहिए, 500 तो यानी एक्स स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए 500 के, तो एक्स बराबर वर्गमूल 500। देखिए क्या करेंगे, अब 2 ये 500 लगा रहा, 2 4 एक बचा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, अब ये दोनों 0 0 का समूह 100 हो गया है, 4 2 2 84 कितना बच्चा हमारे पास 16, यहाँ पे हो जाएगा 44। ये हमारा सवाल हुआ, ये हमने साइड में रफ में करा, ठीक है।
अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे शेषफल आ रहा है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वर्गमूल करने पर शेषफल 16 प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, इसलिए व्यवस्था को इस व्यवस्था में बनाए रखने के लिए 16 विद्यार्थी बाहर जाएंगे। ये कर लीजिए बच्चों वीडियो को पॉज करके। कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों हमने इसमें प्रश्नावली में क्या क्या सीखा, वर्ग निकालना सीखा, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं ये सीखे थे। वर्ग को निकालने की हमने दो विधियां सीखी, एक थी हमारे पास इधर ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहली क्या थी बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसके द्वारा हम अभाज्य गुणनखंडों का दो अंकों के जोड़े बनाकर हमें वर्गमूल ज्ञात वर्ग या वर्गमूल ज्ञात करते थे, ठीक है बच्चों। दूसरी थी हमारे पास भाग विधि, ठीक है ये हमने सीखा था। ध्यान रखने की चीज है, जब भी हमारे को किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बनाना हो और उसमें गुणा या भाग करना हो तो हमारे को अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, और यदि कभी किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें उस संख्या में से कुछ घटाना या जोड़ना हो, यानी माइनस करना हो या प्लस करना हो, तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ये हमारी प्रश्नावली है, वर्ग और वर्गमूल यहाँ समाप्त होती है। किसी भी बच्चे का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पीछे करके वह लिख सकता है।